हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। अब हम ग्राफ का काम स्टार्ट किया हुआ हमने कल से। तो आम का जो हम जो आज ग्राफ बनाएंगे वो 5:3 में बनाएंगे। और सबसे पहले हमने अक्षर ए लेना है। तो पहले आपने 5:3 में बनाना है हमने इसको। अगर तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको आपने 0 नंबर देना है, 0, 1, 2 और 3। और इस तरह नीचे की तरफ को आपने 5 काउंट करना है इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 4 और 5। इसी तरह इसको आप नीचे भी नंबर लगा सकते हैं, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, 3 के नीचे 3 आ जाएगा। अब आपने ए शब्द बनाना है। ध्यान रखें हमने जो ए बी सी लिखनी है ऐसे रखना है इसको। ये सबसे पहले हम लिखेंगे इनको, इनको लिख लें आप अपनी कापी के ऊपर या ड्राइंग शीट के पीछे लिख लें ऐसे, ए ई एफ एच आई जे टी एल। इस तरह हम सारे के सारे अक्षर लिखेंगे। आज हमारा अक्षर है ए, तो ए स्टार्ट करेंगे अब हम। अब आपने 5 नंबर को, ये नीचे का 5 और ऊपर का 1, इनको आपस में मिलाना है, नीचे से 5 ऊपर से 1, और नीचे से 1 ये नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 2, इसको मिलाना है आपस में। आपको थोड़ा टर्न कर लो कागज़ को, और 3 नंबर को 2 के साथ मिलाना है, और 2 नंबर को आपने अब 1 के साथ मिलाना है। अब आपका ये जो ए है ये तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको इरेज कर लेना बीच में से। अब ग्राफ के बीच में आपका ए जो है एक तैयार हो चुका है ये। इन चीज़ों को आप डार्क कर लें जो 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 आपको चाहिए। ये पूरा 1-1 सेंटीमीटर बीच में खाली बच जाएगा और ये आपका ए बन जाएगा। इसके बाद हम ई शब्द बनाएंगे। अब 0 यहाँ से 3 है, 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3। अब 0 और 1 के बीच में लाइन लगानी है, आपने ई शब्द बनाना है। ई शब्द को ध्यान में रखना कैसे बनता है ई, ये बना हुआ है इसमें ई दिख रहा है आपको, जरा ध्यान से देखें तो इसमें ई दिख रहा है अब आपको। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ई इसके बीच में बन चुका है। इसी तरह एफ अगला तैयार करना है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। जैसे अब हम देख रहे हैं जैसे हमने ई तैयार किया, ई का ही रूप एफ भी। अब देखें ये रेज कर दें यहाँ से, ये भी रेज कर दें यहाँ से, ये रेज कर दें यहाँ से, ये लाइन पूरी रहेगी। आज हम 3 अक्षर तैयार करेंगे। डेली हमने 3-3, 4-4 अक्षर तैयार करने हैं। तो अब हमारा एफ भी तैयार बन करके तैयार हो गया है।